गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही बेटा क्लियर सभी को? ठीक यस मैम। है। जो लोग कल थे उनमें से आज कोई भी नहीं है। हाँ कल हम लोगों ने म्यूरल का टॉपिक डिस्कस किया था, टेम्परा। आज हम लोगों को डिस्कस करना है फ्रेस्को, फ्रेस्को के बारे में। कुछ लोग और ऐड हो जाएं, फिर शुरू करते हैं। तब तक आप लोग बताओ किसका किसका कितना वर्क कंप्लीट हो गया। अंशिका, उत्कर्ष, कितना वर्क कंप्लीट हो गया आपका म्यूरल का? म्यूरल का मैं 2 वर्ड कंप्लीट है। बाकी 2 वर्क कंप्लीट है और बाकी 4 करना था ना हमें। हाँ मेरे करना तीन हो तो गए, था, 3 हो गए। कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्योंकि बेटा एग्जाम तो होंगे ही होंगे और सेशनल भी होगा। वर्क तो आपको पुराना कंप्लीट करना ही पड़ेगा। यस मैम आप लोग ठीक है ठीक पुराना है। वर्क कंप्लीट करो तो हम आगे फिर नया काम शुरू कराते, क्योंकि अभी आप सेकेंड ईयर ही नहीं पूरा कर पाए तो थर्ड ईयर काम कैसे शुरू कराएं। थर्ड यस मैम ईयर का हमने पूरा सिलेबस क्या क्या आपको वर्क करना है ये हमने नोट करा दिया था कल ही, कल परसों 2 दिन क्लास हुई थी। ठीक है, तो हम लोग ऐड होते रहेंगे, हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। टेम्परा टेक्निक क्लियर है आप लोगों को? रवि, उत्कर्ष, अंशिका, सभी को टेम्परा में अगर कोई कंप्लेंट एक हो? हाँ, एग टेम्परा, या मतलब टेम्पर जनरली जो टेम्परा वर्ड हम लोग यूज करते हैं, जो टेम्परा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में सब क्लियर है आपको? और उसके अलावा हम लोग जो टेम्परा में 2 टाइप के टेम्परा करते हैं, जैसे एग टेम्परा या फिर ग्लू टेम्परा, उनके बारे में आप, जैसे अगर आपको लिखने को आ जाए टेम्परा तो आप लोग कर लेंगे उसको, या फिर अगर आपको एक्सप्लेन हम करना हो थोड़ा टेम्परा बहुत के बारे में? पता है थोड़ा बहुत पता है क्या? पता है टेम्परा के बारे में? मैम, एग टेम्परा और ग्लू टेम्परा होते हैं, उसमें कलर यूज होते हैं और बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। ऋतुराज, कल हमने टेम्परा के बारे में समझाया था, कुछ बताओगे आप इन लोगों को टेम्परा को, टेम्परा के लिए? मैम मैं अभी भी ऋतुराज, सो के उठाऊं जस्ट अभी, तो मैम ओ अभी गॉड, 2-3 मिनट रुक के। ठीक है, हम टेम्परा के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है अंशिका, ओके क्योंकि हमने जब टेम्परा पिछली बार आपके सेकेंड ईयर में कराया था, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, तो भी आप में से कोई नहीं था वहां पे, और सारे स्टूडेंट्स थे, आप लोग नहीं थे, इसलिए थोड़ा सा रिपीट कर रहा है। कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी टेम्परा से रिलेटेड, तो आप उसको आगे कर पाओगे अगर आपको करना होगा कि टेम्परा में मीडियम कौन सा यूज़ होता है, टेम्परा में टेक्निक क्या होती है, या टेम्परा के जो सरफेसेस होते हैं हम लोग किस किस सरफेस पे टेम्परा कर सकते हैं, या फिर टेम्परा में जो भी कलर्स या जो पिगमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन से कलर्स होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो आपका ये टेम्परा है या आपका फ्रेस्को है, जो 2 टाइप के फ्रेस्कोज हैं, इनके बारे में आपको लिखने के लिए भी आता है मटेरियल मेथड, जो आपका सेकंड पेपर है मटेरियल मेथड। अभी आपका जब सेकंड ईयर का एग्जाम होगा तो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपका सेकंड पेपर में, और इसके बाद जब आप थर्ड ईयर में पहुँचोगे तो भी ये म्यूरल की जो टेक्निक्स हैं ये पुरानी टेक्निक्स हैं, तो इनके बारे में डिटेल हमेशा पूछा जाता है। इवन आप फोर्थ ईयर तक रहोगे, फोर्थ ईयर में भी होगा, MFA में भी इससे रिलेटेड चीज़ें आएंगी, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप वही चीज़ पढ़ते चले आ रहे हो सेकेंड ईयर से, वही थर्ड ईयर में भी पढ़ोगे, वही फोर्थ ईयर में भी पढ़ोगे, तो आपको वो उतना जो डिटेल हम लोग करते चले आ रहे हैं वो हमको वर्ड्स में भी एक्सप्लेन करने आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग कल क्लास में मौजूद नहीं थे, जितने भी लोग ऐड हो मुस्कान और नेहा को छोड़ के। मुस्कान आप थी कल क्लास में? मुस्कान, मुस्कान कटियार गायब है। नेहा,
यस मैम, आप थे नकल क्लास में? यस मैम। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा एक बारी फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं टेम्परा को, क्योंकि ये जो तीन चार लोग हैं ये कल नहीं थे। उसके अलावा आप लोग मैम चाहे तो यूट्यूब पे वीडियोस भी अपलोड होती है, जो हम लोग क्लासेस ले रहे हैं ये वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड होती हैं, आप उस पर भी जाके देख सकते हैं जो क्लासेस आपकी छूट जाएं। ठीक है, उत्कर्ष, रवि, अंशिका, ये सब आप लोग सभी लोग जो क्लासेस हो रही हैं, अगर यस आपकी कोई क्लासेस छूट जाती हैं तो आप उसको यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। ये सारी वीडियोस हम लोगों की जो होती क्लासेस होती हैं, इनकी रिकॉर्डिंग होती है और ये अपलोड होती हैं वीडियोस, आप इनको जाके पढ़ सकते मैम। जी मैम, नाम क्या हैं। डी फाइन आर्ट्स करके आप सर्च करना, मिल जाएगा आपको। है मैम? तो सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं टेम्परा शब्द की, जो टेम्परा शब्द है ये किस वर्ड से बना है, मतलब हम लोग जब किसी भी शब्द की शुरुआत करते हैं या कोई भी शब्द, किसी भी शब्द का नामकरण होता है तो उसके पीछे कोई रीजन होता है, किसी एक वर्ड से ही वो दूसरा वर्ड क्रिएट किया जाता है। तो टेम्परा जो शब्द है वो किस शब्द से बना हुआ है, किस वजह से बना हुआ है, इसके पीछे का मीनिंग क्या है, बताओ नेहा। कल हमने बताया था ना, यस मैम, हाँ बताया, याद है आपको? यस मैम, टेम्पर शब्द से मिलके बना है। हाँ, टेम्परा शब्द जो है वो टेम्पर शब्द से बना है, और टेम्पर जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है किसी भी वस्तु को दृढ़ता प्रदान करना या उसको स्ट्रेंथ देना। ठीक है, स्ट्रेंथ देना मतलब जैसे हम लोग जब टेम्परा कलर्स यूज करते हैं या टेम्परा में जो पिगमेंट्स हम लोग यूज करते हैं, जो बाइंडर्स यूज करते हैं, वो पानी में घुलनशील होते हैं, मतलब पानी में मिला के ही तैयार किए जाते हैं, लेकिन एक बारी जब वो सूख जाते हैं कलर तो वो बहुत ज़्यादा परमानेंट हो जाते हैं या अघुलनशील हो जाते हैं, मतलब उन पे पानी का, नमी का कोई इफेक्ट नहीं होता है सूखने के बाद। इसीलिए इसको बोला जाता है किसी वस्तु को दृढ़ता प्रदान करना या उसको स्ट्रेंथ देना, टेम्पर शब्द का अर्थ होता है, इसीलिए हम लोग इसको टेम्परा बोलते हैं। टेम्परा जो है मूल रूप से रंग द्रव्य में यानी कलर पिगमेंट में अंडे की जर्दी मतलब योक, जिसको हम लोग येलो पार्ट बोलते हैं अंडे का, योक या फिर एल्ब्यूमिन जिसको हम लोग सफेद भाग बोलते हैं, उसको मिला के तैयार, पानी के साथ मिला के तैयार किया जाता है कलर को। ये पानी में जो होता है हमने बताया अघुलनशील होता है, मतलब पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुल जाते हैं कलर, लेकिन सूखने के बाद एकदम फिक्स और परमानेंट हो जाते हैं। तेल कलर टेक्निक यानी ऑयल कलर टेक्निक जब हमारे पास नहीं थी तब हम लोग इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, टेम्परा टेक्निक का इस्तेमाल करते थे पेंटिंग्स करने में या फिर म्यूरल्स बनाने में। बाइजेंटाइन और रोम में भी ये जो टेक्निक है टेम्परा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, बहुत प्रचलन में थी, यानी कि जितनी भी ज़्यादा पेंटिंग की गई थी वो सब इन्हीं टेम्परा टेक्निक में ही की गई थी। उसके अलावा मध्यकालीन में जब हम लोग यूरोप की बात करते हैं तो इसमें किताबों की डेकोरेशन के लिए यानी पुस्तक सज्जा के लिए टेम्परा इमल्शन का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद टेम्परा का प्रयोग जो हम लोग है कमरे की सजावट के लिए करने लगे, लैंडस्केप बनाने के लिए करने लगे। ठीक है, हम लोग अपारदर्शी जल रंगों को भी टेम्परा बोल सकते हैं, जैसे हमने एक बार ही बताया था, आप लोग जब आप लोग ओपेक कलर यूज करते हो या पोस्टर कलर यूज करते हो, पोस्टर कलर जब आप यूज करते हो तो उसमें व्हाइट कलर मिलाना जरूरी होता है, बिना व्हाइट कलर मिलाए आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, तो जब आप उसको व्हाइट तरीके से अपारदर्शी रंग हो जाता है तो उस अपारदर्शी रंग को भी हम लोग टेम्परा बोल सकते हैं, जिस कलर की पारदर्शिता करते समय पारदर्शिता समाप्त कर दी जाए उसको हम लोग टेम्परा बोल सकते हैं। तो जो टेम्परा जो कलर्स हैं वो एक दूसरे पर बिना किसी प्रभाव के चढ़ाए जा सकते हैं और उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप आज की डेट में आप लोग टेम्परा जो पुरानी टेक्निक से हम लोग इस्तेमाल करते थे उसका ना करके बल्कि हम लोग पोस्टर कलर्स यूज करते हैं टेम्परा की जगह पे। ठीक है, अंशिका, रवि, उत्कर्ष, सभी को क्लियर है इतना? यस मैम, रवि, यस मैम, क्लियर है, क्लियर उत्कर्ष, आपको ठीक है? है। मीडियम्स हम लोग इसमें मीडियम्स कौन कौन से यूज करते हैं टेम्परा में, टेम्परा में जो हमारा मीडियम होता है जिसको हम इमल्शन बोलते हैं या पायस बोलते हैं, तो उसके रूप में हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं
दूध का केसिन या फिर अंडा, आप लोगों ने अंडा इस्तेमाल किया है, आप लोगों ने गोंद बाइंडर के लिए इस्तेमाल किया है। उसके अलावा बहुत सारे आर्टिस्ट अलग अलग चीज़ों को यूज़ करते थे, जैसे कुछ लोग केसिन इमल्सन यूज़ करते थे। केसिन इमल्सन क्या होता है, ये एक नेचुरल पायस होता है, इसको हम लोग नेचुरल इमल्सन बोल सकते हैं। दूध का केसिन जो होता है वो बुझे हुए चूने में मिला के तैयार किया जाता है। मतलब दूध का जो केसिन होता है उसका 5 भाग लिया जाता है और जो बुझा हुआ चूना है उसका 1 भाग। तो इस तरीके का रेशियो मिला के हम लोग केसिन इमल्शन तैयार करते थे। गोंद इमल्शन आप सबको पता है क्योंकि आप लोगों ने गोंद मिला के ही काम किया है। बबूल का गोंद जो होता है वो एक सिंथेटिक पायस है। तो बबूल के गोंद का हम लोग दोगुने पानी के साथ मिलाकर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पानी के साथ भिगो के आप रखिए उसको, तो दोगुने पानी के साथ मिलाकर या फिर बसा तेलों के साथ मिलाकर भी उसका इस्तेमाल करते थे। और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनको हम लोग क्या करते थे, उसमें अंडे को मिला लिया जाता था गोंद इमल्शन के साथ में भी। और उसका जो भुरभुरापन है, मतलब जो डस्ट होती है उसको रोकने के लिए हम लोग उसमें ग्लिसरीन मिलाते हैं। जैसे हम लोगों ने, कई लोगों ने ग्लिसरीन यूज किया जब हम लोगों ने गोंद मिलाया, तो ग्लिसरीन इसीलिए होती है, जो कलर की डस्ट होती है उसको रोकने के लिए, उसको स्मूथ बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा 5% ग्लिसरीन का भी यूज करते हैं। ठीक है। और ये हमको पता ही है कि अंडे के हम लोग दो पार्ट जो यूज करते हैं वो किस में किस पे यूज करना है हमको। इसके अलावा जब हम लोग वेस्टर्न कल्चर की बात करेंगे तो उसमें मिस्र, यूनान, रोमन में ये जो टेम्परा टेक्निक है ये बहुत ज्यादा फेमस हुई और मध्यकाल में अपनी चरम शीर्ष पे पहुंच गई। जो पुनर्जागरण काल के आर्टिस्ट थे, जैसे जियोत्ते हो गए आपके, मार्टिनी, डच्ची या बोत्तिचेली, ये जो आर्टिस्ट थे जिनके नाम हम ले लिए, सबसे ज्यादा इन लोगों ने टेम्परा टेक्निक को यूज किया है। और ये लोग टेम्परा टेक्निक में अंडे का पीला भाग और अलसी का तेल मिलाकर इस्तेमाल करते थे। ठीक है। और उसमें कई बार ऐसा होता है कि कीड़ों से बचाने के लिए, जैसे उसमें गोंद मिला हुआ है, अंडा मिला हुआ, तो उसमें कई बार कीड़े लग जाते हैं, तो उसमें कुछ लोग लौंग का तेल डाल देते थे कि वो कीड़े ना लगे। लौंग का तेल मिला के इस्तेमाल किया जाता था उसको। इसके बाद जो इसकी टेक्निक है, टेम्परा की टेक्निक क्या होती है, टेम्परा जो होता है बहुत जल्दी सूखने वाला पेंट होता है। आप सभी ने टेम्परा किया है तो ये आपको अंदाजा होगा कि ये सूखता बहुत तेजी के साथ है। हम लोग जैसे फ्रेस्को, इसको फ्रेस्को से कंपेयर कर रहे हैं इसलिए ये बात बोली जा रही, क्योंकि टेम्परा और फ्रेस्को जो प्रचलित पद्धतियां हैं हम लोग उनको आपस में कंपेयर करते हैं। तो जो हम लोग टेम्परा को कंपेयर कर रहे हैं वो यहाँ पे फ्रेस्को से कंपेयर किया जा रहा है कि ये बहुत जल्दी सूखने वाला पेंट है, क्योंकि फ्रेस्को में थोड़ा टाइम लगता है, गीले प्लास्टर पे वो काम होता है तो वो कलर जब सोखता है तो वो उतनी जल्दी नहीं सूख पाता है। और लेकिन जब टेम्परा हम लोग करते हैं तो ये बहुत जल्दी सूखने वाला पेंट है, क्योंकि इसमें पानी मिलाया जाता है और जो इसकी कवरिंग होती है, मतलब इसको कवर करने की जो पावर होती है वो बिल्कुल ऑयल कलर की तरह होती है। टेम्परा पद्धति जो है ये फ्रेस्को से सरलतम, मतलब इजिएस्ट मीडियम है। बोल रहे थे ना कि फ्रेस्को और टेम्परा को ही कंपेयर किया जाता है, क्योंकि उस टाइम की जो फेमस प्रचलित पद्धतियां थी वो टेम्परा और फ्रेस्को थी, तो फ्रेस्को और टेम्परा को आपस में कंपेयर किया जाता है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि टेम्परा जो है वो फ्रेस्को से सरलतम पद्धति है, क्योंकि ये जो टेम्परा करते हैं ये हम लोग सूखी सरफेस पे, यानी सूखी पद्धति से करते हैं और सूखी सतह पे करते हैं। जो हमारा सरफेस होता है वो एकदम सूखा होता है, ड्राई होता है। इसके अपोजिट जब हम लोग फ्रेस्को करते हैं तो फ्रेस्को में जो हम लोग बेस इस्तेमाल करते हैं या जो भी सरफेस हम लोग यूज करते हैं वो होता है नम, यानी कि गीला रहता है। हम तभी उस पर कलरिंग का काम शुरू करते हैं ताकि जो बेस है हमारा, जो सरफेस है, वो कलर्स को अच्छे तरीके से सोख ले और वो कलर एकदम परमानेंट हो जाए हमेशा के लिए। वो कलर तब तक के लिए परमानेंट हो जाता है जब तक आपकी दीवार का प्लास्टर टूट कर नहीं गिर जाता है, इतने ज्यादा परमानेंट कलर्स होते हैं वो। तो जो हम लोग टेम्परा की बात कर रहे थे, इसमें आप लोग क्या है, अपनी इच्छा अनुसार अपने स्पीड के साथ काम कर सकते हैं। और फ्रेस्को में क्या होता है, फ्रेस्को में आपने जितना एरिया प्लास्टर किया है तो उसको हमको उस दिन कवर करना ही करना है, उसके सूखने से पहले, वो सूखने पाए उससे पहले हमें उस पे अपने सारे जो कलर्स होने हैं वो कलर सप्लाई कर देने होते हैं। तो इसलिए जो टेम्परा टेक्निक है वो इजिएस्ट मीडियम है और अपनी स्पीड के साथ हम लोग अपनी इच्छा अनुसार उस पर काम कर सकते हैं, कई स्टेप्स में काम कर सकते हैं। और रंगों की जो परतें हैं वो हम लोग जल्दी जल्दी लगा सकते हैं क्योंकि वो कलर बहुत जल्दी जल्दी सूखता जाता है, तो हम लोग उसको स्टेप्स में कई परतें लगा के काम कर सकते हैं। और
जो परतें हम लोग लगाते हैं वो फिक्स हो जाती है एकदम, तो वो जो नीचे लगी परत है, जो नीचे लगी लेयर है, वो छूटती नहीं है, खत्म नहीं होती है। टेम्परा रंग जो है ये आपके बहुत ज्यादा तक समय तक प्रकाश में रहने से, सीलन में रहने से, पानी में रहने पर भी इनका कोई असर नहीं होता है। पानी में अगर रहेंगे तो भी ये कलर निकलेंगे नहीं, क्योंकि ये भी परमानेंट कलर्स हो जाते हैं। हमारे पास इतने अच्छे बाइंडर्स होते हैं कि हम उन बाइंडर्स को मिला के इन कलर्स को एकदम परमानेंट कर सकते हैं। इस पद्धति से जो चित्र बनाए गए हैं उनकी उम्र भी 1000 वर्षों तक होती है। अंडे का जब हम लोग जर्दी मिलाते हैं तो उसमें हम लोग एक कलर बना के रख देते हैं। जैसे हम लोगों ने काम किया, हम लोगों को पता है कि हमें आज दिन में इतना काम करना है, तो हमने उतना कलर प्रिपेयर करके रख लिया और हम लोग उसको इस्तेमाल करते रहे, ठीक है। इसके अलावा जो इसके सरफेसेस होते हैं यानी चित्रण तल, टेम्परा हम लोग किस किस सरफेस पे कर सकते हैं, आप लोग चाहो तो ये चीजें नोट कर सकते हो। रवि, उत्कर्ष, अंशिका, तो आपको ध्यान रहेंगे क्योंकि दिमाग से हो सकता है आपके निकल जाए कई बारी। अभी हम लोग आगे और ओके मीडियम्स पढ़ेंगे, यूज करेंगे, तो हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो, तो आप लोग कहीं पे टेम्परा डाल के उसके अंदर ये चीजें छोटी छोटी नोट करते जाओ। दिखा देते हैं। टेम्परा टेक, हाँ ठीक है, टेम्परा टेक्निक के लिए जो हम लोग सरफेस यूज करते हैं, जो चित्रण तल यूज करते हैं, वो कैसे होने चाहिए? कड़े यानी हार्ड होने चाहिए, हमें हार्ड सरफेस की जरूरत होती है। जैसे पहला सरफेस हो गया आपका पारंपरिक गैसोपट, आजकल कोई यूज नहीं करता, लेकिन पुराने समय पे पहले गैसोपट एक पैनल तैयार किया जाता था, उस पे काम होता था। या अगर आपको दीवार पे करना है तो आप पुराने प्लास्टर पे कर सकते हैं, उसको कोई तोड़फोड़ मरम्मत की जरूरत नहीं है, आप उस पुराने प्लास्टर पे टेम्परा कर सकते हैं। किसी मोटे कागज पे भी आप टेम्परा कर सकते हैं, हार्ड बोर्ड पे कर सकते हैं, या फिर वुडन पैनल यानी कास्ट फलक पे, लकड़ी के पैनल पे भी आप काम कर सकते हैं। प्राचीन समय में जब हमारे एंशियंट टाइम में मिस्र में जब ये टेम्परा टेक्निक की जाती थी, तो कास्ट फलकों पे यानी कि जो वुडन पैनल्स होते थे उन पे सरेस का एक पतला लेयर लगा दिया जाता था, यानी सरेस की एक अस्तर लगा दिया जाता था, घोल के उसको एक लेयरिंग कर दी जाती थी। तो उसमें लेयरिंग करने के बाद उस पे चित्रण कार्य करने की यानी उसके बाद उस पे पेंटिंग करने का टेक्निक डेवलप हुई है, उन लोगों ने उस प्रथा को प्रचलित किया। और जो हम लोग गैसों की बात कर रहे थे कि गैसो पैनल्स हम लोग जो तैयार करते थे, वो गैसो पैनल्स कैसे तैयार होते थे, उन गैसो पैनल्स को तैयार करने के लिए हम लोग खड़िया या फिर चॉक पाउडर, मिट्टी, या फिर बुझा हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैम आवाज आलोक, नहीं आ रही कुछ आपकी। आवाज नहीं आ रही है? एक सेकेंड, अभी आ रही है आवाज? अभिषेक, आलोक, आवाज आ रही है? अब मैम बहुत धीरे आ रही है आवाज, धीमे आ रही है, एक मिनट रुकिए मैम अपने फिर से उसका ज्वाइन। वॉल्यूम। हाँ फिर से, हाँ ऋतुराज बोलिए। मैम इनसे कहिए ईयरफोन लगाएं, आवाज बहुत तेज आ रही है, क्योंकि ईयरफोन के बिना बहुत हल्की आवाज आती है। हाँ ईयरफोन लगा लो, या फिर भी दिक्कत हो रही है तो एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लो, जिसको भी आवाज ना आ रही हो। आ रही मैम, आवाज आ रही है। आ रही है? ठीक है ठीक है। तो हम लोग जो गैसोपट तैयार करते थे उसमें हम लोग खड़िया पाउडर, मिट्टी या चौक पाउडर, या फिर जो बुझा हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जिसको हम लोग डेड पीओपी बोलते हैं, उसको हम लोग गाढ़ा दही जैसा एक घोल बना लेते हैं। उसमें गर्म पानी में घुला हुआ सरेस जो होता है मिला के घोल तैयार कर लिया जाता है। सरेस क्या होता है? एक तरीके का बाइंडर होता है जो उसको कलर्स को बाइंड करने का यानी कि रोकने का काम करता है, उसको परमानेंट करने का काम करता है, या उसको एक अच्छा बाइंडअप देता है कलर को। तो वो हम मिला लेते थे गर्म पानी में, मिलाया हुआ घोल के जो सरेस है वो इन चीजों में मिला लेते थे। उसके बाद हम एक क्रीम जैसा, जैसे आप लोग टेक्सचर वाइट यूज करते हो ना, उस तरीके का एक लेप यानी एक घोल तैयार हो जाता था, उसको हम लोग बराबर बराबर सरफेस पे फैला देते थे कन्नी की सहायता से, यानी कन्नी की मदद से हम लोग उसकी पूरी लेयरिंग कर देते थे कि उसमें एक बराबर लेयर बन जाए, उस पे हम लोग काम करते थे। ये जो सरफेस होता था ये टेम्परा के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता था, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग कलर्स की बात करते हैं, कलर पिगमेंट हम लोग क्या क्या यूज करते हैं टेम्परा में, तो टेम्परा में हम लोग 3 टाइप के कलर्स यूज करते हैं। जैसे पहला हो गया आपका खनिज रंग, वनस्पतिक रंग और रासायनिक रंग, ये तीनों टाइप के कलर्स को हम लोग यूज करते थे। और जो सफेद रंग होता था उसको हम लोग बुझे हुए चूने के साथ तैयार किया जाता था, क्योंकि आप लोग कर चुके तो कुछ लोगों ने खड़िया पाउडर यूज किया, कुछ लोगों ने बुझा हुआ चूना यूज किया, तो हम लोग व्हाइट कलर के लिए बुझा हुआ चूना इस्तेमाल करते थे। मैम ये सारे कलर तो कहीं भी मिल जाएंगे ना? हाँ ये सब मिलते हैं, हमने बोला ना आप हार्डवेयर की दुकान पे जब जाओगे तो ये कलर अभी भी मिलते हैं। कुछ
कुछ लोग नहीं रखते होंगे लेकिन मोस्टली शॉप्स पे मिल जाता है इजीली। आप ऑक्साइड कलर करके मांगेंगे, हो सकता है वो खनिज वनस्पति के रासायनिक रंग ना समझ पाए, तो आप उनको ऑक्साइड कलर करके मांगिए या कलर के नेम के साथ मांगिए, वो मिल जाएगा। गेरू, राम, रज, नील, ये सब तो ऐसे कलर हैं, इनको तो हर कोई जानता है। उसके बाद जो आपके रासायनिक रंग होंगे वो आप लोग इस तरीके से ऑक्साइड कलर करके रंगों के नाम बता दीजिए, वो मिल जाएगा वहां पे। ठीक है। और इसमें एक चीज जो हमें लेना होता है, जैसे हम लोग ब्लू कलर्स जब यूज करते हैं, वो आप लोगों ने जब प्रैक्टिकल कर रहे थे तभी भी हमने बताया था कि ब्लू कलर को बनाने के लिए थोड़ी सावधानी रखना, क्योंकि ब्लू कलर में अगर आपने योक मिला दिया तो वो कलर ग्रीन बन जाएगा, वो ब्लू इफेक्ट नहीं देगा, फिर वो ग्रीन इफेक्ट देगा। तो उसको कलर बनाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, हमें अंडे का पार्ट उसमें येलो ना मिला के व्हाइट वाला मिलाना होता है। ठीक है। ये टेम्परा क्लियर है इतना आपका? अगर आपको लिखने को आएगा तो हो सकता है आप लोग लिख भी दोगे, इतना हमने बता दिया कि आप अगर एक लॉन्ग आंसर भी आ जाए टेम्परा के बारे में तो आप लोग लिख सकते हो, अगर आपने सबने सही से सुना है। क्यों बोलिए, मैम, है ना? हाँ ऋतुराज, लिख लोगे ना? यस मैम, ठीक है। बाकी रवि, उत्कर्ष, आप सब लोग ठीक यस मैम, लिख लेंगे। है? तब हम लोग आगे फ्रेस्को की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक था वो फ्रेस्को ही था। ठीक है। सबसे पहले ये समझो फ्रेस्को है क्या। हमने एक दिन क्लास ली थी तब बताया था कि फ्रेस्को क्या है, फ्रेस्को कितने टाइप का होता है। तो फ्रेस्को जो है हमारा दो टाइप का होता है, पहला हो गया हमारा फ्रेस्को सेक्को और दूसरा हो गया फ्रेस्को व्यूनो। ठीक। फ्रेस्को सेक्को और फ्रेस्को व्यूनो में क्या डिफरेंस है, बताएगा कोई? आलोक प्रेजेंट हो अभी? यस मैम, आलोक बताओगे फ्रेस्को कितने टाइप का बताया था हमने? दो मैम दो टाइप का होता है। हाँ दो टाइप का होता है फ्रेस्को। फ्रेस्को जो है, फ्रेस्को दो टाइप का हो गया। एक हो गया आपका फ्रेस्को सेक्को यानी जो शुष्क पद्धति सूखी पद्धति होती है, और दूसरा हो गया फ्रेस्को व्यूनो, ये गीली पद्धति होती है। दो टाइप के फ्रेस्कोज हम लोग करते हैं, सूखी पद्धति पे और गीली पद्धति पे। फ्रेस्को व्यूनो और फ्रेस्को सेक्को। फ्रेस्को शब्द जो है वो किससे बना हुआ है? फ्रेस्को शब्द जो है हमारी जो प्राचीन टेक्निक है फ्रेस्को, फ्रेस्को ब्यूनो जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग म्यूरल में फ्रेस्को का ही। मीन्स फ्रेस्को क्या होता है? अभी वही बता रहा है, फ्रेस्को का मीन क्या होता है। फ्रेस्को जो है वो फ्रेश वर्ड से लिया गया है। फ्रेस्को मीन्स फ्रेश, फ्रेश शब्द से लिया गया। फ्रेश का मतलब होता है ताजा, तो हम लोग जो फ्रेश वर्ड लिया है तो वो इस वजह से लिया है क्योंकि हम लोग जो फ्रेस्को में काम करते हैं वो गीली ताजे पत्ती। तुरंत, हाँ ताजे यानी कि तुरंत बनाए हुए प्लास्टर पे हम लोग वो काम करते हैं, इसलिए हमने मैम इसको फ्रेस्को, फ्रेश। मैम हाँ फ्रेस्को व्यूनो का मतलब मैम आपने गीली पद्धति बताया था ना? फ्रेस्को व्यूनो का मीन गीली पद्धति नहीं है, फ्रेस्को व्यूनो जो टेक्निक है वो गीली पद्धति है। जैसे मतलब ठीक उसे है। वर्क किया जाता हाँ मतलब जो हम लोग जिस टेक्निक पे काम करते हैं तो गीली टेक्निक, गीली पद्धति में काम करते हैं, यानी कि जो गीला प्लास्टर होता है उस पे हम लोग काम करते हैं, इसलिए हम लोग है। उसको गीली पद्धति बोलते हैं। बाकी फ्रेस्को का मतलब अब हम बता रहे हैं कि फ्रेस्को जो है फ्रेश वर्ड से लिया गया है, इटालियन वर्ड है फ्रेश, उससे लिया गया है। फ्रेश का मतलब होता है ताजा, तो जब आप लोग जो वर्क ताजे प्लास्टर पे या नम प्लास्टर पे करते हैं उसको हम लोग फ्रेस्को बोलते हैं। तो सब इसमें क्या होता है, रंगों को जो है सिर्फ पानी में घोला जाता है, इसमें हम लोग किसी तरीके का कोई बाइंडर नहीं मिलाते हैं, हम लोग सिर्फ पानी में घोलते हैं। और सबसे पहले तो जो सबसे पहला काम होता है फ्रेस्को में, ये दीवार को प्रिपेयर करना होता है। पहले हम वॉल को प्रिपेयर करते हैं 3 स्टेप्स में, उसके बाद हम लोग कलरिंग का काम शुरू करते हैं। तो जो दीवार मान लीजिए आपके पास कोई बनी बनाई है तो हम उसे तो नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जो उसका प्लास्टर होता है उसको, अगर आप पुराने दीवार पे काम कर रहे हैं तो उसका प्लास्टर हमको पहले तोड़ना पड़ेगा, हमें एक नया प्लास्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उस पर फ्रेस्को शुरू कर पाएंगे। अगर आपने पुराने बने हुए प्लास्टर पे काम किया तो वो क्या हो जाएगा, फ्रेस्को सेक्को यानी सूखी पद्धति, उसमें अगर हम काम करते हैं तो वो हमारा फ्रेस्को सेक्को हो जाएगा। और अगर हमने ताजे प्लास्टर पे ताजा प्लास्टर करके उस पे अपना चित्रकारी का काम शुरू किया तो वो हो जाएगा हमारा फ्रेस्को ब्यूनो। ठीक है। इसीलिए इसको फ्रेस्को ब्यूनो बोला जाता है। इसमें क्या होता है, हमको उतना ही प्लास्टर एक दिन करना होता है जितना हमको पता हो कि हम 3 घंटे में या 4 घंटे में हमको कितना काम करना है, और उतना काम हम कितने घंटे में कंप्लीट कर लेंगे।
तो वो हमें पता है हम इतने देर में, हमारी स्पीड ये है, हम इतनी देर में इतना वर्क कर लेंगे, तो उतनी ही दीवार पे हमको प्लास्टर करना होता है जितनी दीवार पे हम लोग काम कर सकें। ठीक है, फ्रेस्को का जो डिफिनेशन, इसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि किसी भी तैयार भित्ति पे, मतलब किसी भी तैयार दीवार पे गीला प्लास्टर लगाकर जब चित्रण कार्य करते हैं उसको हम लोग फ्रेस्को ब्यूनो बोलते हैं, यानी ताजी गीली दीवार पर बनाए गए चित्र को फ्रेस्को ब्यूनो कहा जाता है। इसका नामकरण जो था वो 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ, मतलब 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। इससे बने जो भित्ति चित्र हैं वो 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बने थे, यानी कि शुरुआत में बने थे। और जो फ्रेस्को सीको है, इसके पहले इटली में फ्रेस्को सीको का प्रचलन था, जब फ्रेस्को ब्यूनो नहीं होता था तो फ्रेस्को सीको का प्रचलन इटली में हुआ था इसके पहले। फ्रेस्को विधि में क्या होता है, गीला चूना और प्लास्टर, प्लास्टर पे गीले चूने की कोटिंग करी जाती है और चूने के माध्यम से ही रंगों को मिलाकर चित्रण का कार्य किया जाता है। मतलब जो भी कलर हम लोग लगाते हैं उसको चूने में ही मिलाया जाता है, चूने में ही मिलाकर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फ्रेस्को में जो मेन रोल में करते हैं वो कम से कम महीने तक का पुराना चूना होना चाहिए। जो चूना हम भिगोते हैं तो वो कम से कम 1 साल पुराना हो, अगर 1 साल पुराना नहीं है तो कम से कम 6 महीने पुराना तो वो होना ही चाहिए, तभी वो आपको वैसा इफेक्ट दे पाएगा, परमानेंट इफेक्ट दे पाएगा। ठीक है, आलोक ऋतुराज, ये क्लियर हुआ आपको फ्रेस्को का? यस मैम, ठीक है, अब हमारे पास दो, हाँ ऋतुराज बोलिए। अभी जो गंगा नमामि वाली पेंटिंग्स बनाई थी फर्स्ट ईयर में, वो फ्रेस्को से क्यों हुई मतलब? हाँ, उसको आप फ्रेस्को सेको बोल सकते हैं क्योंकि, लेकिन आप लोगों ने उसमें कलर्स कौन यूज सिंथेटिक किए थे? कलर्स थे सिंथेटिक बस, सिंथेटिक कलर्स थे बस कलर्स थे, मैम। तो वो उसको हम लोग सिंपल वॉल पेंटिंग बोल सकते हैं। फ्रेस्को यस सेको में और फ्रेस्को ब्रूनो में हम लोग कलर पिगमेंट्स यूज करते हैं, यानी खनिज नेचुरल रासायनिक कलर्स, रंग, हाँ नेचुरल कलर्स यूज करते हैं, उसको हम लोग यस सिंपल वॉल म्यूरल या वॉल पेंटिंग बोल सकते हैं। ओके। हमारे जो फ्रेस्को व्यूनो है उसमें भी दो टाइप के फ्रेस्को प्रचलन में थे, जैसे एक तो हमारा इंडियन फ्रेस्को हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारा इटालियन फ्रेस्को। इटली में बहुत ज्यादा फेमस था फ्रेस्को, उसके बाद इंडिया में राजस्थान में सबसे ज्यादा जो फ्रेस्को है वो फेमस था। इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है बस, बाकी सारी चीजें वैसे ही होती है। डिफरेंस इतना है कि हम लोग चूना भिगोते हैं, लोग जो चूना भिगोने का काम करते हैं उसमें इटालियन फ्रेस्को में हम लोग चूने में कुछ नहीं मिलाते, सिर्फ उसको भिगो दिया जाता है किसी मिट्टी के बर्तन में। और जब हम लोग वही काम अपने इंडिया में करते हैं या राजस्थानी टेक्निक में करते हैं जो फ्रेस्को, उसमें हम लोग गुड़ मिला देते हैं। ठीक है, गुड़, दही और छाछ ये मिला के उसको भिगोया जाता है। गुड़ दही छाछ क्या होता है, चूने को शोधित करने का, यानी कि चूने को साफ करने का काम करता है। ये टेक्निक हम लोगों की जयपुर में या राजस्थान में डेवलप की गई कि हम लोग इस तरीके से चूना भिगोएंगे, इसमें हमें क्या क्या और चीजें मिलानी है तो हम चूने को और अच्छे तरीके से शोधित कर सकते हैं, यानी साफ कर सकते हैं। इटालियन में ऐसा नहीं था, इटालियन में सिर्फ चूना भिगोया जाता था 1 साल पहले, 2 साल पहले या 6 महीने पहले, उसका हम लोग यूज इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये एक छोटा सा डिफरेंस है राजस्थानी और इटालियन फ्रेस्को के बीच में। इटली में क्या होता था, गीले प्लास्टर में चूने के पानी और पानी के माध्यम से रंग लगाने की टेक्निक डेवलप हुई। और जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने अपने मान्यताओं के हिसाब से, ट्रेडिशन के हिसाब से उसमें चीजों को ऐड करना शुरू कर दिया, जैसे उसमें दही छाछ और गुड़ मिला के उन्होंने इस्तेमाल शुरू किया इसका। उसके बाद जब हम लोग चूना भिगोते, तो चूना भिगोया क्यों जाता है, 1 साल पहले चूना क्यों भिगोया जाता है, ताकि हम उसको शोधित कर सकें, स्थायीकरण करने में सहायक होता है। चूना, भीगा हुआ चूना जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो स्थायी हो जाएगा, स्थायीकरण करने में सहायक होगा। चूना जो है हमने बताया आपको कम से कम साल भर या 6 महीने पुराना होना चाहिए, लेकिन इसके पहले जब इस्तेमाल होता था, जब पुराने लोग इस्तेमाल करते थे, तो वो 2 साल 3 साल, जितना पुराना चूना होता था वो उसका इफेक्ट उतना ही अच्छा होता था। उसमें जो रंग की परत थी पहले, उससे पहले चूने की एक परत लगा दी जाती थी, उसके बाद हम लोग अपना चित्रण का काम करते थे।
उसके लिए जो हम लोग दीवार तैयार करते थे, ये हमारी 3 स्टेप में दीवार तैयार की जाती थी, जो यानी कि उसका जो प्लास्टर लगाया जाता था उसमें पहले एक मोटी बजड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, मोटी बजड़ी की एक पहले परत लगा दी, उसके बाद उससे पतली परत एक लगाई, मतलब महीन, जो महीन वाली बजड़ी होती है उसको सूखने के बाद उसकी एक परत लगाई, और उसके बाद फिर हम लोग जो थर्ड लेयर लगाते हैं वो हम लोग चूने की लगाते हैं। उसी चूने की लेयर लगाने के बाद हम लोग अपने कलर्स को लगाना शुरू करते हैं। तो क्या होता है, वो चूना जो है हमारे कलर्स को सोखता है, जितना गीला हमारा बेस होगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से कलर सोखेगा, और जब वो कलर सोख लेगा तो वो उस कलर को अपने अंदर बैठा लेता है। तो इसी वजह से जो हम कलर्स लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा स्थायी हो जाते हैं और हमेशा चलते हैं, इतने ज़्यादा स्थायी कि जब तक आपकी वो दीवार नहीं टूट जाएगी, जब तक आपका वो प्लास्टर नहीं टूट जाएगा, तब तक वो कलर्स परमानेंट रहेंगे। ठीक है, इसको अगर आप लोग चाहो तो हम लिखाना भी शुरू कर दें कल से, क्योंकि ये तो आपके काम ही आएगा, इसमें कुछ और ऐसा नहीं है कि आपको चूज करना है कोई भी सब्जेक्ट। हाँ मैम लिखा दीजिए, अच्छा। ठीक है, तो हम आज आज तो हमने सिर्फ समझा दिया, कल से हम लोग थोड़ा लिखाना भी शुरू कर देंगे, थोड़ा थोड़ा तुम शुरू करो लिखना, इसमें कोई आपके साथ दिक्कत नहीं आएगी कि आप अभी सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं दिया थर्ड ईयर का लिखाने लगे, क्योंकि ये आपका पार्ट ऐसा है जो आपके साथ सेकेंड ईयर से लगा के फोर्थ ईयर तक आएगा। अगर आपने एमएफए में भी म्यूरल ले लिया तो भी वो आपके काम ही आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, आवाज नहीं आ रही क्या? ओके मैम। हाँ बोल दिया करो, हमें लगे कि तुम लोग सुन रहे हो कम से कम। ठीक है, और हमने ये बोला था कि आप लोग अपना अपना वर्क लेके बैठना, कितने लोगों ने काम स्टार्ट किया है पुराने म्यूरल्स का, जिनका नहीं हुआ है, जिनका हो गया उनकी कोई बात नहीं है, जिनका नहीं हुआ हम उनकी बात कर रहे हैं। मुस्कान, अभिषेक, अंशिका, आलोक, मैम अभी नहीं स्टार्ट, मैम अभी नहीं स्टार्ट किया। नो मैम। अच्छा आलोक, आपने? आलोक हेलो, कैमरा ओपन करो आलोक, जो बात किया करे कम से कम आप लोग वो लोग अपना कैमरा ओपन कर दिया करो। आलोक कहाँ चले गए आप? मैं बोल रहा हूँ। बोलने के लिए सोचना पड़ रहा है क्या? हाँ बोलो। यस यस मैम। क्या हुआ, कितना वर्क हो गया तुम्हारा? मैम म्यूरियल में 2 कंप्लीट हो गए हैं। जब क्लास लेंगे तब आप, क्योंकि हमारी जो क्लासेस हैं वो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, थ्योरी तो है नहीं, लेकिन हम लोग थ्योरी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि म्यूरल मेरा सब्जेक्ट है सेकंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी। उत्कर्ष, यस मैम, आप कब से काम स्टार्ट करेंगे? सारा मटेरियल है आपके पास? मैम अभी तो नहीं, बाहर हूँ मैम और दिमाग में नहीं, अभी प्रेजेंटली नहीं, प्रेजेंटली अभी की बात नहीं कर रहे, कल हो जाएगा ना, अभी तो खैर क्लास नहीं मैम, कल भी नहीं हो पाएगा, अभी कल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं बाहर हूँ और घर में हूँ इस टाइम, एडमिट हो गया था हॉस्पिटल में, क्या हो गया? जॉइंटिस हो गया था, तो 1 महीना वही दवाई चल रही है और सब चीज घर में। चलो कोई बात नहीं, जब आना तब से स्टार्ट करना अपना काम। ओके मैम, बाकी जो लोग हैं यहाँ पे और जो लोग काम सकते हैं अपना वर्क शुरू कर दो, क्योंकि बेटा हमें ये पता है कि अगस्त में आपका एग्जाम होना ही होना है, हो जाएगा अगस्त में एग्जाम, इसलिए आप लोग जितनी जल्दी हो सके अपना पुराना वर्क कंप्लीट करो। मैम तो लास्ट मिरर के लेआउट पे मैम वो आप वैसे चेक करेंगे, फोटो उनकी भेजनी पड़ेगी? फोटो भेज देना, या फोटो भेज देना वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप अभी कैमरे के सामने ओपन करोगे तो पता नहीं उतने अच्छे से दिखेगा अभी कि नहीं दिखेगा, तो जो लेआउट है आप लोग चाहो तो, हाँ आप लेआउट उसका हमें भेज देना ग्रुप पे, जो भी लेआउट पास कराना है जिसको वो आप लोग ग्रुप पे भेज दो, बाकी जो वर्क का है अपना वो ऑनलाइन जब क्लासेस चलती हैं तब बैठ के किया करो सभी लोग। ठीक है मैम? ठीक है, हाँ आलोक मैम, पुराना वर्क अभी करना है, नया करना नहीं है।
नया भी करेंगे बेटा हम, इसीलिए नए के बारे में आपको थ्योरी में समझा रहे हैं और चाह रहे हैं कि पुराना वर्क आप लोग पहले कंप्लीट करो, क्योंकि अभी जब आप पुराना नहीं कर पाए और नया एक बार ही शुरू करा दें तो पुराने से तो आपका ध्यान ही हट जाएगा, फिर वो कैसे पूरा होगा। और इतना हमें अभी डिस्टर्ब नहीं करना है तुम लोगों को कि तुम लोग अपना पुराना काम भूल के नया काम शुरू कर दो, वो भी कराना है तो हम ये चाह रहे हैं बहुत जल्दी शुरू करो आप लोग और उसको खत्म इसमें करो। मैम थ्योरी, म्यूरल की थ्योरी भी है क्या मैम? हाँ म्यूरल की थ्योरी तो देखो बेटा मटेरियल मेथड में सेकेंड ईयर में भी थी आपकी, इसलिए हमने सेकेंड ईयर में भी थोड़ा सा लिखाया था, थर्ड ईयर में भी है म्यूरल का पार्ट। और थर्ड ईयर में आपका जो मेन है अजंता फ्रेस्को है, जो टाइप्स आते हैं म्यूरल के करने को, अजंता फ्रेस्को आपका, फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को ब्यूनो और टेम्परा, ये जो बहुत ज्यादा प्रचलित पद्धतियां हैं इनके बारे में ही आपके सिलेबस में है, मटेरियल मेथड में लिखने के लिए भी यही। चलिए तो फोर्थ ईयर में हमारी शुरुआत से लगा के अब तक की बात करते हैं, थ्योरी में भी वो काम भी करते हैं, और जब थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी में भी हमारा उसी टाइप का सारे म्यूरल, जितने भी आपके म्यूरल के टाइप्स हैं, चाहे वो आपका टेम्परा हो, आपकी राजस्थानी पेंटिंग हो, या फिर अजंता फ्रेस्को हो, जो भी जितने भी फ्रेस्को हैं, जितने भी क्रिएटिव स्टाइल्स हैं उन सब के बारे में है। तो आपका सेकेंड ईयर में आपका टेम्परा हुआ, आपका थर्ड ईयर में फ्रेस्कोज हो जाएंगे, और फोर्थ ईयर में आपके सारे टेक्निक्स हैं म्यूरल के। तो म्यूरल आपका एक ऐसा पार्ट है जो आपको हमेशा ही करना है, इसलिए हम लिखा रहे हैं कि आप लोग अगर लिख भी लोगे तो उसमें कोई लॉस नहीं होना है आपका, सेकेंड ईयर का भी आपको रिमाइंड रहेगा और थर्ड ईयर का भी आपका काम हो जाएगा। रही बात प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल पहले आप सेकेंड ईयर का खत्म करो, उसके बाद, क्योंकि अब जो हमको टेक्निक सीखनी है थर्ड ईयर में वो बिल्कुल अलग है सेकेंड ईयर से, और उसके लिए हमें प्रॉपरली बैठ के काम करना पड़ेगा, तब आप उसमें सीख पाओगे कुछ, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि हमें जैसे फ्रेस्को पे काम करना है तो उसके लिए हमें सीमेंट की भी जरूरत है, हमको मोरंग की भी जरूरत है, हमको सरिया की भी जरूरत है, हमको तारों की भी जरूरत है, तब हम उसका बेस तैयार कर पाएंगे और तभी हम उसमें कलर लगा पाएंगे, और चूना आपको भिगोना पड़ेगा। तो जैसे ही कुछ होता है तो हमें कॉल, जब आप लोग कॉलेज आओगे तो सबसे पहला काम यही होगा चूना भिगोने का। आप आके अपना अपना एक बर्तन लेके आओ, मिट्टी का मटका, जिस मटके में ज्यादा बेटर रहेगा भिगोना उसको, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में भिगोना है, तो वो सब आप लेके आओ। मटेरियल एक दिन बैठ के सारा नोट करा देंगे आपको, जितने भी हमारी टेक्निक्स हमको यूज करनी है थर्ड ईयर में वो हम सारे मटेरियल नोट करा देंगे। कुछ लोग इकट्ठा सामान ला के रखना है तो रख लेना, बार बार दौड़ने का काम खत्म। तो जैसे हमारे क्लासेस ओपन होंगे हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे स्पीड से। मैम सामान आपने दिखाया है कि अभी लिखा है? नहीं अभी लिखाया नहीं है हम सामान, कल या परसों में, मतलब तो क्लास का ये खत्म होने से पहले ये वीक हम आपको सामान जितना भी है म्यूरल का वो सब नोट करा देंगे, म्यूरल का भी और आप लोग टेक्सटाइल वालों का भी जो भी मटेरियल यूज होना है वो हम सारा लिखा देंगे। तो आप लोग अपना मेरी नेक्स्ट क्लास आने तक वो प्रिपेयर कर लोगे सब कुछ, ठीक है, ताकि हमारा टाइम बहुत ज्यादा खराब नहीं हो, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग अपना वर्क कंप्लीट करें। और कल से इतना जरूर कर लो तुम लोग कि सेकेंड ईयर का वर्क लेके बैठो, उसको कंटिन्यू करो आगे, सभी लोग जो लोग हैं अपने घर पे हैं और जिनके पास सारा मटेरियल है अभी अवेलेबल वो अपना काम कम से कम शुरू कर दो, जो लोग नहीं हैं बाहर हैं या जिनके साथ कोई दिक्कत है उनकी बात अलग है, बाकी जो लोग कर सकते हो वो लोग तो करो कम से कम काम अपना, ठीक है। मैम टेक्सटाइल वाले बच्चे क्या करेंगे? टेक्सटाइल वाला हम काम शुरू करा देंगे थर्ड ईयर का, अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो, क्योंकि यस आपका तो मैम। वर्क कंप्लीट हो गया था क्लास टाइम में ही, और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था वो ऑनलाइन क्लासेस में हो गया, तो आप अगर चाहोगे आपके पास मटेरियल होगा तो हम लोग आपका काम स्टार्ट करा देंगे टेक्सटाइल वालों का, ठीक यस है। मैम। लोग अपना काम शुरू कर सकते हो, पहले सामान नोट करा देंगे इस वीक में, नेक्स्ट जब मेरी क्लास होगी तब से हम लोग अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे। और जो हमारे टेक्सटाइल के जो जितनी भी एम्ब्रॉयडरीज हैं या प्रिंटिंग या वीविंग का जो भी टेक्निक्स हैं वो हम लोग थ्योरी में करते रहेंगे, वो आप लोगों को डिस्कस करते रहेंगे, उनका वर्क बताते रहेंगे, तो आप लोगों का भी काम चलता रहेगा, यस मैम। ठीक है। किसी को कोई डाउट है किसी भी चीज में, कुछ पूछना है या कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन कहीं हो रहा है किसी को तो पूछ ले अभी। नो मैम, नो नो ओके ठीक नो मैम, है। नो मैम। अच्छा ठीक है आलोक, ठीक है। तो हम कल आप लोगों को मटेरियल कल या परसों में नोट करा देंगे, आप लोग अरेंज करो अपना अपना मटेरियल।
और बाकी वर्क अपना कंप्लीट करो साथ साथ। कुछ बच्चे आने वाले थे जिनको कुछ पूछना था कॉलेज, ऋतुराज, प्रियंका। यस मैम आऊंगा, मैं बता दूंगा, कॉल कर लूंगा आपको पहले। आएंगे मैम। प्रियंका आपको आना था, आपको कुछ पूछना था ना? यस मैम, बट मैंने अभी मैम वैक्सीन लगवाई थी तो हमें फीवर बहुत आ रहा है मैम। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप लोग चाहो तो लीव कर सकते हो, फिर हम कल क्लास की टाइम बता देंगे जैसे भी होगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। जी भाई, आर सी एच क्यू डी आर।